हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है डॉक्टर के एल एन राव, जो राजकोट के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक एंड क्राइम ब्रांच से है। आपको थोड़ा डॉक्टर आगे पढ़कर थोड़ा आश्चर्य लगा होगा कि पुलिस और डॉक्टर, बट ही हैज़ ऑल्सो डन हिज PhD इन बायोकेमिस्ट्री। तो आज सर के साथ जो राजकोट ट्रैफिक है उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू स्पीक बिंदास। राजकोट की बात होती है तो राजकोट के ट्रैफिक की भी बात होती है। व्हाट इज़ योर परसेप्शन ऑफ द ट्रैफिक ऑफ राजकोट, कैसा है? इट्स गुड, इट्स आउटरेजियस? कि राजकोट से ट्रैफिक बारे में ये ओपिनियन है मेरा है कि इट इज़ द पीपल आर वेरी लॉ अबाइडिंग इन अ सेंस, बट एट द सेम टाइम व्हेन दे टेंड टू क्रॉस द लाइन और दे टेंड टू जंप द ट्रैफिक सिग्नल वेन एवर देर इज नो पुलिसमैन, वेन एवर देर इज नो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। So this happens in most of the cities, and Rajkot is city is not very different from any other city. But at the same time, people are aware of the law of the land. People are aware and conscious of the city traffic rules. So all in all, it is a good composition of people who know the law, and also people who need to be told about the law to for the better life of. And traffic regulation, particularly in the city. जब जब ट्रैफिक की बात आती है तो दो चीज़ सामने होती है, एक होती है सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा होता है लॉ, लाइक यू सेड। 1 to 10 में अगर राजकोट की पब्लिक है उसको सेल्फ डिसिप्लिन में अगर रेट करना है तो आप, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? आई गेस आप इस फील्ड, यू आर ऑन दिस पोस्ट फॉर लास्ट 6 months, सो यू वुड हैव सम आइडिया अबाउट दैट। 1 to 10, व्हाट वुड यू रेट इन सेल्फ डिसिप्लिन? Most of them are conscious, I would say, and at least I think maybe they will get around 5 to 6. Mm-hmm. 1 in 2, if you, 1 to 10, if you ask, मतलब 5 से 6 मार्क दे सकते हैं कि बाकी के लोग जब पुलिस वहाँ हाजिर नहीं रहती है they tend to violate the law and everything. So we are identifying such kind of a target group like children, students. Mm-hmm. Youngsters or in different areas like business, central business districts. So we want to educate the business community people also. Agar schools mein zyada hai to bachchon ko hum log educate karna chahte hain. Isi tarah se alag alag Rajkot shahar mein jo alag alag vistaron mein traffic ki samasya hai to wahan hum log wo target group ko reach karne ke liye, so we are trying our best to disseminate the traffic knowledge and the importance of traffic at all the to all the target groups. थोड़ा शायद नेगेटिव क्वेश्चन लगे, लेकिन जनता के दिमाग में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है और कभी कभी बात भी कर लेते हैं कि भाई जो ट्रैफिक पुलिस है और यू नो दे आर लोगों से जो मतलब कहीं गलत ट्रैफिक कर दिया है या कोई ट्रैफिक नियम का भंग कर दिया है, एंड देन दे यू नो जो रिसिप्ट देते हैं दे चार्ज मनी, तो दे फील कि भाई कुछ टारगेट होता है यू नो फॉर ट्रैफिक डिपार्टमेंट कलेक्शन थिंग्स लाइक दैट। सो आई वांट यू, क्योंकि बिकॉज पीपल आर हियरिंग यू, कैन यू शेयर सम थॉट्स ऑन दिस? नहीं, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, बिकॉज आई थिंक वी आर ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज एंड अदर थिंग्स वेयर वी आर इन अ वे वेस्टिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री कि इफ़ यू गो टू ए फॉरन वेस्टर्न कंट्रीज, सो देर इज़ अ प्रोविजन कि वहाँ पे लाल बत्ती रहती है, ट्रैफिक रूल्स रहती हैं, स्टॉप सिग्नल्स रहती हैं, पार्किंग का डिजिग्नेटेड एरिया रहता है। सो इन इंडिया एंड सिटीज़ लाइक राजकोट एंड अदर प्लेसेस वी हैव पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। So, yes, rightly you have pointed out that traffic is such a subject where every individual is responsible to himself and to the society. True. So, one has to be, as you rightly said, one has to be self-disciplined. This is an area where one has to be self-disciplined. Not always, not once, but all the time. Whenever you are using the road, har samay aapko self-discipline ke bare mein, आपके खुद के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरों के, शहर में जो सोसाइटी के समाज के लोग हैं, जैसा कि स्कूल है वहाँ पे वी हैव टू गो इन ए सम पर्टिकुलर स्पीड लिमिट, तो वो अपने को पालन करना चाहिए। या पार्किंग व्यवस्था है वो निर्धारित है तो वो उसका पालन करना चाहिए।
तो अनफॉर्चुनेटली अपना सिटीज़ और अपने कंट्री में ये देखा गया है कि ये सब तो देना ही है कि सिग्नल भी लगाएंगे हम, लाइट भी दिखाएंगे कि भाई रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो जाना है। इसके बावजूद ये अपेक्षा रखते हैं अगर सिग्नल लगाएंगे हम वो एरिया को छोड़ के हम वो पुलिस वाले को एक एक आदमी को हम कहीं और जगह पे जहाँ पे सिग्नल की सुविधा नहीं है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन रहती है फॉर अ बेटर मैन मैनेजमेंट जहाँ पे हमको ज़रूरत रहता है कि भैया क्योंकि वी आर शॉर्टर। आपको तो ये सुन के ताजुब होगा कि पूरा राजकोट शहर के लिए हमारे पास में सिर्फ 80 ट्रैफिक पुलिसमैन हैं और जो ट्रैफिक ब्रिगेड पिछले 5-6 साल से राजकोट सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ में बोलबाला ट्रस्ट ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो लोगों ने किया है उनका हम लोग 80 लोगों को यूज़ करते हैं। सो 15-20 लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे पास में सिर्फ 100-150 लोग हैं। इसमें भी हमको हर रोज़ वेरियस फ़र्ज निभाने पड़ती हैं जैसे कि VVIP सिक्योरिटी, बंदोबस्त, अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रैफिक रेगुलेशन। सो मेरा कहना यही है कि रिसोर्सेज कम है, आदमी कम है, मैन पावर कम है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी भी जगह पे एक ट्रैफिक सिग्नल रखा है तो हम ये आशा रखते हैं कि वहाँ से जो जाने वाले ट्रैफिक यूजर्स हैं वो उसका नियम का पालन करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये होता है, ये यहाँ का ही नहीं, राजकोट सिटी का ही नहीं, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में देखा गया है इंडिया में, या अहमदाबाद हो या बॉम्बे हो, या कहीं ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कहीं कम होता है, मगर ऐसा इंसिडेंट्स बनती हैं। वहाँ ट्रैफिक सिग्नल रहने के बावजूद भी हम एक ट्रैफिक पुलिस को रखना पड़ता है और ट्रैफिक ना तो वो सिग्नलिंग उसका करने के लिए, हालांकि वो और उसके बावजूद भी लोग वायोलेट करते हैं तो उनको दंड करने के लिए उसको रखने के लिए भी और एक स्टाफ को रखना पड़ता है, तो उसको पर्ची बनाने के लिए ये बनाने के लिए। सो हम ट्रैफिक, हमारा मेन उद्देश्य ये है नहीं है कि किसी को पुलिस आदमी को टारगेट दिया जाए या इतने आप दंड करो या इतने वाहन को आप रसीद बनाओ, ये वी वुड बी हैप्पी ज़ीरो। अगर हमारा को आज फाइन कलेक्ट करने का ज़ीरो हो तो आई वुड बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन, प्रोवाइडेड कि पूरा शहर में एक भी ट्रैफिक का वायोलेशन नहीं हो, इसका खातरी आप दे देंगे या जनता पालन करती है तो सबसे ज़्यादा खुश मैं रहूँगा जिस दिन ज़ीरो उसका कलेक्शन होगा ट्रैफिक एज ए ट्रैफिक फैन। सो अगर सब हम लोग ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन करेंगे तो कोई उल्लंघन नहीं होगी, कोई दंड नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। सो इस दिशा में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग ट्रैफिक एजुकेशन का बोलबाला ट्रस्ट है, बाकी का जो डिफरेंट एजेंसीज है उनके मदद से हम लोगों ने ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, इंपॉर्टेंस ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने का इम्पोर्टेंस बताते हैं, क्योंकि सौ इट इज़ समथिंग लाइक इन क्रिकेट भाषा में यही है कि टू गेट आउट वन बॉल इज इनफ। आपने 100 सेंचुरी बनाना है तो आपने 80 तक अच्छा खेला, 90 तक, मगर आपको आउट होने के लिए एक बॉल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हम लोग कितने बार रोड यूज़ किया होगा, क्रॉस किया होगा, मगर कभी ऐसा कोई घटना घट जाती है तो वो एक चीज़ ही काफ़ी है ज़िंदगी में अपने को हिलाने के लिए। तो इस तरह से मेरे रिक्वेस्ट जनता से यही रहेगी कि ट्रैफिक का नियम पालन करें, अपने जो क्लोज है फैमिली के मेंबर से उनका ख्याल रखें। जैसा लाइक स्लोगन हम लोग रखते हैं कि somebody is waiting at home, reach home safe. So these are the messages which we want to give and small things will help in life. Right. That is my आपने फॉरेन की बात की, आई वॉज रिसेंटली इन UK और ऑब्वियसली आप जब बाहर जाते हो तो आपको थोड़ी कंपेरिजन अपने कंट्री से आती है, तो आपने जैसा कहा कि वहाँ पे सभी सिग्नल्स हैं और लोग उसका पालन भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो इसके हिसाब से वो पालन कर सकते हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा शायद। और राजकोट में तो ऐसा है कि हर साल जब फेस्टिवल्स आते हैं तो नए नए लोग व्हीकल्स खरीदते हैं, तो हर साल मतलब रोड की साइज़ तो वही की वही है, व्हीकल्स बढ़ते रहते हैं, तो पॉपुलेशन इज़ द की फॉर ट्रैफिक इश्यूज़ और इट हैज़ समथिंग टू डू विद सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और पॉपुलेशन दोनों चीज़, see we can't put restrictions on the population. Yes, or government is trying hard, but on the vehicles also. True. See, if one is prosperous, if he wants to maintain 4 vehicles, it's let him maintain. True. But only thing is, we are at this stage, it is a policy decision, I don't want to enter into that area. Yeah. But my humble request would be that okay, if you can afford 4 vehicles, but only request is that please follow the traffic rules and
एंड इन सर्टन एरियाज डेफिनेटली यस. इवन आपने जो बताया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का कंपैरिजन में जब इंग्लैंड की बात करें, लंदन की बात करें, तो वहाँ पे भी जहाँ नैरो रोड्स वगैरह है, जहाँ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कंजेशन फील किया जाता है कि वहाँ अमुक टाइम में आपको एंट्री ही, भले आपके पास में व्हीकल हो, इफ़ यू आर नॉट अलाउड, अगर आपको 1 to 2 अलाउ होना है, जैसा कि जहाँ सोनी बाजार है या इफ़ यू कंपेयर विद राजकोट कई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एंटर होना है, तो आपको इतना फी पे करके आपको उस मुल्क में जाने के लिए आपको परमिशन मिलती है. लाइक इन सेंट्रल लंदन इट इज 8 pounds. यस, सो इट इज़ अ कंसेशन फी. सो दीज आर ऑल पॉलिसी इशूज. एंड आई थिंक बेस्ट वे इज़, एक तो एडुकेशन है, अवेयरनेस है, पीपल इफ वी आर दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अवेयर ऑफ देयर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक दे वॉन्ट टू फॉलो बाई हार्ट, तो इट इज़ अ गुड थिंग. सो एंड रिगार्डिंग द ट्रैफिक पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड जनरल पॉपुलेशन एज सच, मैन आई डोंट एडवोकेट दैट वी शुड हैव सम रेस्ट्रिक्शन. पीपल लेट मी लेट देम हैव डिफरेंट वट एवर दे कैन अफोर्ड. And it's the coming of the small and economical vehicles like Nano and other things. So every family wants to have a vehicle. It's a good sign of prosperity and progress, no doubt. There is no problem. But as you said that road using road is limited, and the number of vehicles adding to the same space is more. So only request would be that they should. People are also thinking in terms of mass transport. General integrated modular transport mechanism. So mass transport is also in thing in this time. So that is it altogether a different aspect in, as such in transport modalities. But I would request that whoever is using the road, if they follow with the traffic rules and regulations, I will be happy and I will be contented with that. अभी हमने बहुत बड़ा ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट की बात की, और मैंने ऑलरेडी इंटरव्यूज़ लिए हैं जयेश उपाध्याय और अतुल भाई संघवी जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टीज है. तो हाउ इट इज़ हेल्पिंग द ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ राजकोट? एज आई ऑलरेडी सेड दैट वी आर शॉर्ट ऑफ मैन पावर, कि ट्रैफिक में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है अपने पास में अभी ऑलमोस्ट 100 जितना है. सो वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मैन पावर पर्टिकुलरली इन ट्रैफिक. सो अभी सरकार का भी एक नया GR आया है कि 75 मोर पीपल हैव बीन सैंक्शनड इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सो दे विल बी कमिंग इन बाय नेक्स्ट ईयर. सो टोटल स्ट्रेंथ विल बी अराउंड 175 समथिंग ट्रैफिक पुलिस का. तो इसके अलावा भी हमको मतलब हर एक पॉइंट पे एक दो दो आदमी रखना पड़ता है. सो देर आर अबाउट 50 to 60 ट्रैफिक पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम मोबाइल्स एंड ट्रैफिक अदर थिंग्स. So we need some voluntary people who can lend a helping hand for traffic regulation. So because of this, the traffic brigade concept has been envisaged. And Rajkot city mein bhi chala 5-6 baras thi ye traffic brigade no chalu chhe. Ane hama mota bhage ye je Bolbala trust ye chhe ye agad avine public private partnership ma je PPP chhe ye bhagrupe jaye अपने ये ट्रैफिक ब्रिगेड ने प्रोग्राम ने मदद लेवाने चालू करी छे. एमा सरकार तरफ थी अपने 50% जे एमने मानव वेतन जे आपवानी छे 150 rupees छे, अने एमा अर्धा पैसा जे ट्रैफिक नियमों ने भंग बदल जे अमे कलेक्ट करीए छे एना अनुदानमांथी 50% सरकार ये परत आपे छे. ए अने बाकी जे 50% अपना ट्रस्टमां ज मार्फत એ લોકોને પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે, એ લોકોને મદદ લેવામાં આવે છે, એને એ લોકોને ટ્રાફિક નિયમન માટે ટ્રાફિક પોલીસ સાથે રહીને એ લોકો કામ કરે છે. અને આ સ્કીમ મોટા શહેરોમાં અને અમુક જિલ્લાઓમાં પણ એ કાર્યરત છે, દાખલા તરીકે સુરત હૈ, બરોડા હૈ અને અમદાવાદ, રાજકોટ. તો એ ટ્રાફિક બ્રિગેડની જે સિસ્ટમ છે એ અમલવારીમાં છે. અત્યારે તમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છો, but the title is doctor and you said ki have done PhD in biochemistry. So this is other than traffic question, ki biochemistry or IPS are two different things. So what was the journey PhD karne ke baad IPS mein aane ki kya inspiration thi? Inspiration yahi hai ki jo studies as an education kiya hai, PhD biochemistry mein padha hai, but in coming and once I have joined the IPS, I mean I don't see anything different, because जो भी क्राइम होता है,
जो भी चीज़ होती हैं, जो इफ़ यू एनालाइज टू द मॉलिक्यूल लेवल एंड एटम लेवल, तो एवरीथिंग इज़ ए केमिकल रिएक्शन. आदमी को गुस्सा क्यों आता है, आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों होता है, आदमी एक तरह से बिहेव कर रहा है, तो देर आर सो मैनी केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन सिस्टम, इन हिज सिस्टम, इन हिज बॉडी. गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, इसको बीपी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर होगा, सम स्ट्रेस होगी, टेंशन होगी, एड्रेनलिन का रिलीज होगा. सो दिस इफ़ यू बॉइल, इफ़ यू एनालाइज एट माइक्रो लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल, इट इज़ बेसिक बायोकेमिस्ट्री. अगर मैं खुश हो रहा हूँ तो देर इज समथिंग हैप्पीनेस विच इज़ गोइंग ऑन, ए हार्मोनल चेंज, आई फील समथिंग हैप्पी अबाउट इट, सो आई स्माइल. इसी तरह से कोई क्राइम कर बैठा है तो गुस्से में आया होगा, या फिर उसका मेंटल स्टेबिलिटी किस तरह है, क्या है. सो इफ़ यू एनालाइज दैट, देन इट इज सेम एज अ बायोकेमिस्ट्री. सो आई लुक इट इट इन दैट वे. सो इट वाज अ गुड जस्टिफिकेशन एंड आई गेस इट इज नॉट वेस्टेड. इट इज या इट इज नॉट वेस्टेड, दो इट मे नॉट हैव अ डायरेक्ट यूज टू इट, बट यू एक्सप्लेन, आई मीन इट लुक्स कनेक्टेड. इट इज कनेक्टेड बिकॉज रोड रेज होती है, जैसे कि अभी मैं ट्रैफिक में हूँ, टुमारो आई मे बी समवेयर एल्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक. तो ट्रैफिक में एक रोड रेज का आपने सुना ही होगा कि रोड में हर जने को समय कम है, जल्दी जाना है. तो रोड में जो भी होता है कि भाई किसी के साथ झगड़ने का, ये है वो क्या चीज़ है, मतलब गुस्से में है, एड्रेनल रश होता है, जल्दी जाना है, इमोशंस है, स्ट्रेस है, दिस आर ऑल केमिकल बायोकेमिस्ट्री. दिस इज ऑल बायोकेमिस्ट्री. स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन है. सो इफ़ यू प्लान योर लाइफ अर्ली, जर्नी अर्ली, इफ़ यू हैव राइट गुड हैबिट्स एंड देन इफ यू कैन कीप योर काम कंपोजर, सो देन इट कैन बी समराइज्ड इन वन सेंटेंस, स्टार्ट अर्ली, रीच सेफली. So that kind of a things. So it's like in life also, if you plan early and you stick to a pattern, then your life will be smooth. Like in traffic, if you have a regular constant speed and other things, and if you have a plan, go safely, be strong. So it's for youngsters who are watching the video, it's a suggestion that if you want to get into public service, you should do the biochemistry. Generally, कभी कभी लोगों के दिमाग में ऐसा आता है. If you are on the higher post, if you are on the top post, you know, you are filled with the most of the paperwork. And aapka kaisa hai? You also go out in the Rajkot traffic, or aap uska niyaman karte? How is it? No, it's entirely up to a different individual officer. It's not like that कि even जो भी higher post में होता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो files में ही. हाँ, management उसको ज़्यादा रहता है. Definitely. नहीं, at the policy level, you are at a higher level. To implement certain things and other things, but it doesn't curtail anybody from going to the field and seeing it for oneself. I'd regularly do patrolling in the Rajkot city. सुबह में भी मैं शहर में घूमता हूँ, शाम को भी एक घंटा घूमता हूँ, देखता हूँ अलग अलग विस्तारों में क्या किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह का ट्रैफिक का नियमन हो सकता है और अच्छी तरह कैसे, और क्या सप्लीमेंट हम कर सकते हैं, कि कहाँ पे अपने को एडुकेशन की ज़रूरत है, ये मैसेज स्पेसिफिक मैसेज पहुँचाने की ज़रूरत है, या एक अलग ये विस्तार में किसकी मदद लेने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल याग्निक रोड पे है, सो वी रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु आर इन द बिजनेस कम्युनिटी, वेर एवर देर इज़ अ पार्किंग प्लेस, वेर एवर देर इज़ दैट पार्किंग लॉट्स दे आर नॉट यूज, सो वी रिक्वेस्ट देम टू मेक यूज़ ऑफ दैट. सो अलग अलग एरिया का डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, कि कहीं साग भाजी का मार्केट का कोई प्रश्न होता है, या अमुक टाइमिंग्स का प्रश्न होता है कि भाई 7 से 9 बजे तक यहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रहते हैं, कि इस तरह. सो आई मूव इन द सिटी इन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट टाइम्स, सो टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स एंड पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, एंड आई एट द एंड ऑफ द डे आई ट्राई टू फुलफिल सच काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट, हाउ बेस्ट वी कैन डू इट. Our motto and our endeavor will be that Rajkot City Police should cater to the needs of Rajkot citizens, and we want to make their life hassle-free, smooth, and a good feeling about the Rajkot City traffic. Thank you very much. आपने समय निकाल कर सुखविंदर के साथ बात की, and you gave lots of inputs and information about the work you are doing and about Rajkot traffic. Thank you very much. Thank you. It has been a nice experience. Yeah. Thank you. ये राजकोट शहर में दर वर्षे
अपने अपना प्रियजनों ने सौथी वधारे माणसों ने अपने ट्राफिक एक्सिडेंट में गुमावे छे। तो मारा नम्र रिक्वेस्ट ये रहेशे कि ट्राफिकना नियमों अपने एक सच्चा नागरिक तरीके पालन करे अने ट्राफिक ने जे समस्या हल करवा माटे जे राजकोट शहर ट्राफिक पुलिस जे पगला भरे छे एमना आपने मददरूप थाय अने आपने जे कई सुझावो छे जे कई सुधारो जरूर छे ये हमारा ध्यान ऊपर लावे अने अपने सौ मळीने राजकोट शहर ने एक एक्सिडेंट फ्री अने जे रोड यूजर्स छे एना माटे एक सुंदर अने सरल रोड जर्नी तरफ अपने आगळ वधे ये हमारी नम्र विनती छे।